बिग बॉस खेल गए। आज का जो नॉमिनेशंस था ना, मैं क्या ही कहूँ, क्या नॉमिनेशंस। और उसके बाद कन्फेशन रूम में बुला बुला के अपने तरीके से जो बिग बॉस ने आग लगाई है, तेल डाला है, चिंगारी नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। आज का जो बिग बॉस का एपिसोड था ना गाइस, बिग बॉस खेल गए। घर में जो लड़ाई हुई है, काम को लेके हुई है, वो हम उसके बारे में बात नहीं करते हुए, क्योंकि मैंने आपको शायद, अगर आपने मेरी पहले दो जो हमारी गप मेरी जो गपशप सुनी है, उसमें मैं बता चुकी हूँ कि जो काम के ऊपर जो लड़ाई होती है ना, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो उसको तो छोड़ ही देते हैं कि जो काम के ऊपर लड़ाई हुई है तो उस पर हम बात नहीं करते हैं। लेकिन यस, आज का जो नॉमिनेशंस था ना, मैं क्या ही कहूँ, क्या नॉमिनेशंस था। पहले बात तो बिग बॉस ने किसी को कहा ही नहीं है कि कोई रीजन देने की जरूरत ही नहीं है। एंड सोने पे सुहागा, अगर अगर किसी ने नॉमिनेट करने के बाद सॉरी कहा तो उसको सजा मिली है। वाह, बिग बॉस मजा आ गया। और उसके बाद कन्फेशन रूम में बुला बुला के अपने तरीके से जो बिग बॉस ने आग लगाई है, तेल डाला है, चिंगारी डाली है, मजा आ गया, मजा आ गया। इतनी इन्वॉल्वमेंट बिग बॉस की जो है ना इसमें, और ज्यादा मजा आ रहा है। बिग बॉस कोई गलत जा रहा है तो उसे ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई ठंडा पड़ रहा है तो उसको गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बिग बॉस इज ट्राइंग टू कीप द स्पार्क, एंड मजा आ रहा है, मजा आ रहा है देखने में। और जब तक नॉमिनेशंस हो रही थी तब तक लाइक हाँ ये सही नॉमिनेशन है, ये सही नॉमिनेशन नहीं है। लेकिन जब बिग बॉस ने जो है एक एक करके जो है बुलाया कुछ लोगों को और उस बारे में बात की, तो लाइक फिर दोबारा कन्फ्यूजन बढ़ गया, क्या यानी कि कौन सही नॉमिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर मैं मेरे ओपिनियन में कहूँ तो क्या कौन सी नॉमिनेशन है, जो के 6 नॉमिनीज हैं, उनमें से जो मैं 3 के साथ अग्री करती हूँ, 3 के साथ अग्री नहीं करती हूँ, वो है, जिनके साथ मैं अग्री नहीं करती हूँ, जिनको नहीं होना चाहिए नॉमिनेशन में, वो है साजिद खान, शिव एंड गौतम। इन तीनों को जो है नॉमिनेशन में नहीं होना चाहिए था। मैं साजिद खान का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है। मैं एज अ हाउसमेट देख रही हूँ, एज अ इन्वॉल्वमेंट देख रही हूँ, ही इज गिविंग क्वाइट मच टू द शो देन अदर 3 कंटेस्ट। एंड ऑल्सो गौतम एंड शिव आर ऑल्सो गिविंग मोर इन टू द शो इन देयर इन्वॉल्वमेंट अदर देन अदर 3 कंटेस्टेंट्स। इसीलिए जो है मुझे लगता है कि इन तीनों का नाम जो है नहीं होना चाहिए था। एंड देन अगेन शालीन के जो रीजन है, साजिद के सामने कुछ और बिग बॉस के सामने कुछ और। एंड देन प्रियंका भी जो है, जब वो वहां पे थी तो शी वॉज अग्रींग विद साजिद खान, एंड देन वो जब अलग से बात कर रही थी इनके से, एंड देन शी वॉज सेइंग टोटली डिफरेंट थिंग। कि अगर आपको कुछ कहना ही है तो मुंह पे कहो, वरना पीठ पीछे कहने का क्या फायदा है, ठीक है ना। कोई जो इम्पोर्टेंट बात होती है तो उसको जो है अगर आपको लगता है कि वो मैटर कर सकती है तो फिर मुंह पे बोलो ना, क्योंकि पीठ पीछे बोलने का फायदा है नहीं। तो और ये जो बैक बिचिंग होती है ना, आई जस्ट हेट इन दिस शो, कि जो बोलना है मुंह पे बोलो, पीठ क्यों बोलना पीठ पीछे। एंड देन कमिंग टू अब्दू, एज ऑलवेज द क्यूटेस्ट। आज वो जैसे वो शर्मा रहा था ना लाइफ पार्टनर को लेके, इट वाज सो 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 क्यूट। उसके जो एक्सप्रेशंस आ रहे थे शर्माते हुए, जस्ट सो क्यूट। मुझे तो पता भी नहीं कि क्यों उसका नाम जो है लिया गया है नॉमिनेशंस में। उसका तो नाम आना ही नहीं चाहिए था, घर के काम को लेके अभी तक कोई टास्क नहीं आया। लेकिन आई एम श्योर कि टास्क को भी लेके ही विल डू हिज बेस्ट, और घर में ऑलमोस्ट वो हर काम करने की कोशिश कर रहा है, और द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन इन द हाउस राइट नाउ। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि उसका नाम क्यों लिया गया। अगर इसलिए लिया कि दिस शो इज नॉट फॉर हिम, तो भाई वो ज्यादा डिजर्विंग है इस शो के लिए, ना के जिसने कहा है कि उसको लगता है कि वो डिजर्विंग, यानी कि वो इस शो के लिए नहीं बना है। एनीवेज, तो अगर साजिद खान और गौतम और शिव की जगह अगर मैं किसी 3 लोगों को डालना चाहूँ, दैट इज गोइंग टू बी शालीन,
चांदनी एंड सुजीता, ये जो तीन होंगे मैं इन तीनों को जो है साजिद, गौतम और शिव की जगह डालना चाहूंगी, बिकॉज साजिद, गौतम और शिव ज्यादा डिजर्व करते हैं, ना के अगर इन तीनों के कंपैरिजन, यानी के शालीन और चांदनी और सुजीता. सो आप लोगों को क्या लगता है, लेट मी नो इन कमेंट्स, क्या मैं सही कह रही हूँ, क्या डू यू गाइस एग्री विद मी? हमें एग्री करने की जरूरत है नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गपशप के, ताकि मैं भी अपनी कुछ कहूँ और आप लोग भी अपनी कुछ बताएं कि आप लोगों को जो है जैसे मैं कह रही हूँ, जो मैं कह रही हूँ उससे एग्री आप करते हैं या नहीं करते, लेट मी नो इन कमेंट्स. आज भी जो है निमृत कौर जो है मुझे एज अ कैप्टन कल से बेहतर लगी, लेकिन फिर भी ही स्टिल नॉट देयर यार. तो मुझे लगा कि आज तो घर में दो कैप्टन्स थे, लाइक दो कैप्टन्स थे, प्रियंका एंड निमृत, दे वर लाइक डीलिंग अ कैप्टनशिप, मुझे ऐसा लगा देख के. तो निमृत कौर, यू नीड टू बकल अप अ लिटिल मोर एज अ कैप्टन. और मैं यहाँ पे कहूंगी कि मुझे सुम्बुल से जो है थोड़ी बहुत जो है डिसअपॉइंटमेंट हो रही है, शी इज नॉट दे येट बट आई एक्सपेक्ट, बट शी इज ट्राइंग आई गेस. जैसे कि उसने कहा था कि मैं नॉमिनेशंस में नहीं आई, मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है, तो ऑब्वियसली. लेकिन मैं फिर कहूंगी कि शालीन एंड चांदनी एंड सुजीता जो है नॉमिनेशंस में सुम्बुल से ज्यादा डिजर्व करते हैं, आई थिंक. आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा. तो ये था आज का एपिसोड, और मैंने जैसे कि कहा कि जिन बातों में जो लड़ाइयां हुई हैं, उन चीजों को लेके मैं अब क्या ही बोलूं. और आज जो है ना फिर से हमारी जो पॉलिटिशियन साहिबा हैं, उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि यहाँ कुछ कमी है. लेकिन हाँ, एक बात उन्होंने जरूर सही कही है कि जनता सब देखती है, जनता बेवकूफ नहीं है, ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है. और इस वीडियो को जो है यहीं पे खत्म करते हैं, और आप लोगों को मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कपशप में, नेक्स्ट एपिसोड में. टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू तन की दुनिया. स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, एक्ट पॉजिटिव, रिएक्ट पॉजिटिव, एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू पॉजिटिवली, बिकॉज़ लेट्स स्प्रेड सम पॉजिटिविटी टुगेदर. अल्लाह हाफिज़.